तब मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी मैं जब हम कई जगह जाते हैं गुरुदेव के साथ, मैंने देखा, लेकिन यार छोटे छोटे बच्चे ना बहुत अच्छे आते हैं। देखो कैसे छोटा बच्चा है, बड़ा तिलक लगा के कितना सुंदर। वहाँ छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा, सारी माताएं अपने बच्चों को लेके आती हैं, है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान ना भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि बहुना जन्म नाम मनते ज्ञानवान मम प्रपदन्ते वासुदेवाय सर्वमति सुमहात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मिली है ना, मैंने मनुष्य दे दिए, तो कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति, कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति जो आता है मुझे जान पाता है, जो मेरा भजन करता है, ऐसे जो महात्मा है ना बहुत दुर्लभ है। देखो इतना बड़ा बड़ोत है, इतने लोग हैं, लेकिन आप सब लोग जो आ रहे हो ना, उसको भगवान ने क्या बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को, ये महात्मा है। आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, महात्मा, जो सारी चीज़ें छोड़ के और भगवान की कथा सुनने, भगवान की आरती देखने, आरती दर्शन करने, देखो सब आप लोग आ रहे हो, तो आप लोगों को क्या बोला है, महात्मा, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ लोग मंदिर से कोई मतलब नहीं, भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं, अपनी जैसा दुनियादारी चल रही है बस चलते चलने दो, तो वैसा नहीं चलेगा। तो मैं छोटी सी कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा आज का जो कथा का टॉपिक है वह है कि भजन बुढ़ापे में करेंगे। कब करेंगे, बुढ़ापे में करोगे, नहीं ना। हरे कृष्णा। तो एक बार एक व्यक्ति, एक बच्चा, वह ऐसे ही आया और भक्तों के संग से उसने क्या किया, गुरुदेव देखा, लोग माला कर रहे, कथा सुनने आया, उसे पता चला, हरि नाम की महिमा पता चली और उसने गुरुदेव से हरि नाम ले लिया, ठीक है। अब वो हरि नाम लेके जब घर पहुंचा, तो जब घर पहुंचा तो उसने देखा, उसके पिताजी ने देखा, वो हुक्का पी रहे थे बैठ के, और हुक्का पीते हुए उन्होंने देखा ये बच्चा कर क्या रहा है, ये सफ़ेद सी झोली में इसने क्या हाथ डाल रखा है, क्या हो गया, तो पूछा बड़ा है, ए लाला इधर आ, ये क्या हुआ तेरे हाथ में, चोट लगी क्या, पट्टी बांध दी क्या। कह रहा नहीं नहीं पिताजी, ये पट्टी उट्टी नहीं बांधी, मैंने माला कर रहा हूँ। ये माला है, माला क्या होता है। कह रहे पिताजी मैं मंदिर जाना शुरू कर दिया मैंने, और मैं भगवान के नाम का जप करने लगा हूँ। कह रहे मूर्ख है, पागल है क्या, ये तेरी उम्र है भजन करने की, अरे खेल खा पी ऐश कर घूमने जा, ये क्या कर रहा है माला वाला है, क्या रखा है। अरे ये सब चीज़ें ना बुढ़ापे में की जाती हैं, ये अभी के लिए नहीं है, इसको बुढ़ापे में करना। तो जो बच्चा था वो भक्तों के संग करता था, उसको पता था कि क्या क्या भैया भक्ति करने से क्या लाभ है, है ना। तो उसने अपने पिताजी को कहा कि समझा के कोई फ़ायदा होगा नहीं, है ना, तो क्या करें। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आज से मेरी माला हुई आपकी और आपका हुक्का हुआ मेरा, आज से मैं हुक्का पीऊँगा और आप माला करेंगे, आप बूढ़े हो गए। तो पिताजी ने कहा भैया ये क्या हो गया, तो उल्टी पड़ गई। कह रहे नहीं नहीं बेटा, कर 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 करता रहे कोई बात नहीं, पर देख के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब पिताजी ने कहा भैया ये तो अगर इससे उल्टा पड़ गया, मैं इसे बोल रहा हूँ बुढ़ापे में करी हूँ, और ये मेरे को बोल रहा है कि तुमने माला पकड़ा और मुझे हुक्का दे दो। कह रहे नहीं नहीं बेटा ठीक है करो करो, पर ध्यान से। जो बच्चा था ना उसने कहा भाई मेरे पिताजी है ना, इनका कुछ कल्याण करना पड़ेगा, ये वैसे तो भक्ति करेंगे नहीं। तो पता चला कि भैया पिताजी का जन्मदिन आ रहा है कुछ दिन बाद, तो वो तीन भाई थे, पिताजी का जन्मदिन आया, तो उसने कहा मैं कैसा क्या गिफ्ट करूँ पिताजी को कि मेरे पिताजी थोड़ा भजन की तरफ जाने लगे, कुछ भजन करने लगे, भगवान का नाम करने लगे, थोड़ा उनकी सुकृति हो, है ना, तो कुछ ऐसा करता हूँ मैं। तो वो अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मुझे कुछ बताइए मैं अपने पिताजी को क्या गिफ्ट करूँ। तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो, हमारे पास तुम हमारे जो ब्रह्मचारी लोग हैं इनको ले जाओ कथा सुनाओ। कह रहे नहीं नहीं गुरुदेव, वो तो इनको तो वही उल्टा सीधा बोल के भगा देंगे, कुछ अलग ही तरीका बताओ, कुछ बिल्कुल डिफरेंट। तो गुरुदेव ने सोचा, बोला हाँ एक काम करो, मेरे पास एक तोता है, इस तोते को पूरी भगवद्गीता याद है, पूरी भगवद्गीता याद है, और ये तुम्हें तुम्हारे पिताजी को रोज श्लोक सुनाएगा, बढ़िया बढ़िया, और कथाएं सुनाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा गुरुदेव आपके पास ऐसा तोता है। कह रहे हाँ। कह रहे तोते को बुलाया, ए मिट्ठू इधर आओ, बताओ आठवें अध्याय का पांचवा श्लोक क्या है। तो तोता बोल पड़ा, ये अंत काले चुमा में स्मरण मुक्त वाक देवनम, ये प्रियति सम
मद्भागवती नास्ति अत्र संशय। बोले वाह क्या तोता है। कह रहे हाँ ये पूरी भागवत, पूरी भगवत गीता जानता है तोता ये। और इसकी मीनिंग भी बताओ, मीनिंग बताओ। तो तोता कि अंतकाल में जो भगवान का नाम करेगा वो क्या है, भगवान को ही प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो। उन्होंने कहा वाह क्या तोता है। उन्होंने कहा गुरुदेव ये तोता मुझे दे दो। गुरुदेव ने कहा ठीक है ये लो तोता लो और अपने पिताजी को गिफ्ट कर देना। उन्होंने ठीक है। अब बहुत बड़ा गांव था, गांव के बड़े बड़े लोग थे, मुआवजा मिला हुआ था गांव वालों को। बड़े बड़े सारे लोग आए गांव के, बूढ़े आदमी, बड़ी अच्छी पार्टी भी, खूब शराब नॉनवेज वैसे लोग थे, अभक्त थे। तो उसको तो लड़के को बड़ा दुख होता था कि उनके पिताजी गलत संगत में। तो उसने कहा ठीक है। तो बड़े बेटे ने अपने पिताजी को एक घर गिफ्ट किया कि पिताजी मैंने आप मेरी तरफ से घर। उसने कहा ठीक है। दूसरे बेटे ने एक बहुत बड़ी गाड़ी गिफ्ट की। तीसरे बेटे ने वो तोता गिफ्ट किया। तो ठीक है चलो। अगले दिन पिताजी ने तीनों बेटों को बुलाया, ए इधर आओ। कह रहे क्या गिफ्ट लाए थे तुम मेरे लिए। कह रहे कुछ दिमाग विमाग है नहीं तुम्हारे पास। बड़े बेटे को बुलाया, इधर आ, तूने क्या मुझे गिफ्ट किया, तूने मुझे घर गिफ्ट किया। कह रहे उस घर में कम से कम 20 कमरे हैं, तेरी मम्मी पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाती, मैं ढूंढता रहता हूँ। हे भाग्यवान कहाँ हो है। वो कहते उस मैं ढूंढता रहता हूँ एक कमरे में, दो कमरे में, तीन कमरे में, और बूढ़ा हो गया हूँ मैं। वैसी जहाँ मिलता है मैं वहीं सो जाता हूँ। तो तेरी माँ का मैं शक्ल ही नहीं देख पा रहा, पिछले 5-6 दिन से मैंने तेरी माँ की शक्ल ही नहीं देखी। वो पता नहीं कौन से कमरे में बैठी होती है और मैं उसे ढूंढता रहता हूँ है। ये कोई गिफ्ट होता है भाई ऐसे। दूसरे को बुलाया, बेटा इधर आ, तूने क्या गिफ्ट किया मुझे, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी लंबी गाड़ी, तुझे पता है बड़ौद की गलियाँ कितनी छोटी हैं है। जहाँ जहाँ देखो वही फंस जाती है गाड़ी, कभी नाले में घिस जाती है हैं। तूने क्या गिफ्ट होता है इतनी बड़ी गाड़ी। अरे रोड में खड़ी करके आ जाता हूँ मैं तो उसे, घर के अंदर तो ला ही नहीं सकता। हट तू भी हट, छोटे बुला इधर। ये छोटा बच्चा, ये सबसे समझदार, इसने मेरी बात, इसको मेरे को पता है मुझे क्या चाहिए हैं। इसने दिया मुझे गिफ्ट, वास्तव में जो गिफ्ट दिया है ना इस छोटे बच्चे ने दिया है। छोटे बच्चे को बुलाया इधर। छोटे बच्चे के ना जो वो लड़का था जो भक्त था उसकी आंखों में आंसू आ गए कि चलो पिताजी थोड़ा परिवर्तन तो आया। कह रहे बच्चों को सामने बुला के, कह रहे इसने दिया मुझे वास्तव में गिफ्ट, कह रहे इसने मुझे एक मोटा हट्टा कट्टा ताज़ा तोता गिफ्ट किया। रात को मैंने उसे फ्राई किया, नमक मिर्च मसाला ला के चट गया, वाह क्या स्वादिष्ट था, हो गया सत्यानाश। देखो वो लाया था अपने पिताजी को देने के लिए कि ये कथा कीर्तन सुनेंगे, पिताजी ने रात को उसे भून के खा लिया। तो उसने कहा भैया ये तो उल्टा पड़ गया। वो दोबारा गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव गुरुदेव ऐसी ऐसी बात होगी। गुरुदेव भी बड़े दुखी हुए, हे भगवान क्या हो गया ये, इसको तो कोई नहीं समझा सकता, तुम्हारे पिताजी को कोई नहीं समझा सकता। उसने कहा गुरुदेव नहीं नहीं एक बार आप चलिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है चलो मैं थोड़ा प्रयास करके देखता हूँ क्या करा जाए। तो वो कह रहे गुरुदेव वो कथा ही नहीं सुनते, वो कथा ही नहीं सुनते। उन्होंने कहा ठीक है तो कुछ करो। उन्होंने कहा एक काम करो, अपने पिताजी को ना कल मेरे पास लाना, और एक काम करो तुम काशी की टिकट करा दो, हम उन्हें काशी में ले जाएंगे। क्यों ठीक है पर हमें आपकी टिकट करा देता अपने पिताजी के साथ। और वो उनके पिताजी को ले गया काशी और वहाँ उनको दिखाया। वहाँ क्या था काशी में दिखा कि बहुत सारे लोगों की वहाँ क्या होता है चिताएँ जलती है ना बहुत सारी, कौन सी जगह बोलते हैं उसको काशी में ही ना, हाँ घाट में, वहाँ घाट में ले गए उनको। और घाट में ले गए जगह जगह चिताएँ जल रही है, हैं लोगों की, लोग दूर दूर से ला ला के चिताएँ जला रहे हैं। और उनके जो गुरुदेव ने दिखाया उनके पिताजी को, ये देखो। अब उन्होंने देखा चारों तरफ, देखा बड़ी देर तक, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, और उनके आंखों से आंसू निकल आए। तो गुरुदेव ने सोचा अब थोड़ा काम बन गया, मुझे लगता है काम बन गया। वो रोने लगे, कह रहे मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दी। पिताजी कह रहे उसके मैंने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी है, दिन भर मैं अपनी दुकान में लगा रहा है, मेरा कपड़ों का बिजनेस था। कह रहा मैं मूर्ख था, मैं मूर्ख था जो मैंने ज़िंदगी भर कपड़ों का बिजनेस किया। मुझे पहले पता होता लकड़ी का बिजनेस इतना चलता है तो मैं लकड़ी बेचता। कह रहे मुझे पहले पता होता कि लकड़ी का बिजनेस इतना चलता तो मैं लकड़ी बेचता, मतलब कपड़ों की दुकान में पड़ा रहा। एक गुरुदेव ने कहा भैया इनका कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे पिताजी का कुछ नहीं हो सकता, ये एक व्यक्ति होता है ना कि चलो भैया उसको कुछ दो,
तो कटोरी लेके आएगा तो मिलेगा, अगर कटोरी उल्टी कर दो तो क्या मिलेगा उसको। तो उसके पिताजी का हाल यही था कि भैया नहीं, तो उन्होंने कहा भैया अपने पिताजी को ले जाओ। अब पिताजी का अंतिम समय आ गया, पिताजी जाने वाले उसके, अब बैठे हुए तो मरने वाली स्थिति है। बुलाया भैया मेरे बड़े बेटे को बुलाओ, छोटे बेटे को बुलाओ, तीसरे बेटे को बुलाओ, तीनों बेटे को बुलाया। वो कहाँ है, तीनों बेटे कहाँ है? माता ने कहा यही है, तीनों बेटे यही हैं। और कह रहे तीनों बहुएं कहाँ है? कह रहे तीनों बहुएं भी यही हैं। तो कह रहा अरे सब यही है, मूर्ख हो तो दुकान में कौन बैठेगा, तुम यहीं आ गए सारे के सारे, दुकान में कौन बैठेगा। और दुकान करते ही उसका शरीर छूट गया। अब देखो भागवत में कथा आती है, किनकी कथा आती है, जो भरत महाराज जो अंतिम समय में किसका चिंतन किया, हिरण का, तो अगले जन्म में हिरण बने। तो ये बताया गया है कि भगवत गीता ही बताया गया है कि यम यम वापि स्मरण भावम तज्जते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भवित। जो जिस भाव में अंतिम समय में अपना शरीर त्याग करता है उसको वही शरीर मिलता है। तो बड़ा सोच समझ के अंतिम समय में जो हम कर रहे हैं ना भगवान का नाम, क्यों करते दिन भर जब हरे कृष्ण कृष्ण, कि भैया हमारे मुँह से भगवान का नाम तो निकले, कम से कम अंतिम समय में भगवान को ध्यान तो आए। अब उस व्यक्ति ने क्या करा, अंतिम समय मेरी दुकान। अब उसका अगला जन्म क्या हुआ, दुकान के बाहर कुत्ते का। अब हम क्या बना, पूरी जिंदगी भर उसने मेहनत की, सब कुछ किया, क्या जन्म मिला आखिरी में, एक कुत्ते का जीवन मिला। ये सच बात है कि जो व्यक्ति अंतिम समय में जैसा करता है, जो ध्यान करता है, उसका उसी से संबंध हो जाता है। आप देखते होंगे ना पहले जगह जगह खुदाई में खजाना मिलता है, सोना हीरे जवाहरात, वहाँ देखना सांप मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भैया, वो पुराने जन्म में उन्हीं का था वो सारा सोना, उनकी आसक्ति नहीं गई, मेरा धन और वहीं जा, फिर वहीं जाके वो सांप कीड़े मकोड़े वहीं बनते हैं, उसी धन के आसपास उनकी योनि मिलती है, वहीं भटकते रह जाते हैं, है ना। तो देखो कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अगर भजन कर लो, जैसे एक छोटा बच्चे है ना बैठे, एक बार ऐसी जगन्नाथ जी की यात्रा जारी थी, तो सारे जगन्नाथ जी को फूल चढ़ाते हैं कुछ चढ़ाते हैं, तो एक छोटे से बच्चे ने क्या कर दिया, उसने देखा सब कुछ चढ़ा रहे, तो उसने भी क्या करा, फूल उठाया और अपनी तोतली भाषा जय ददननाथ बस जय ऐसे बोल के फूल दे दिया। अब वो घर वाले उसको लाए थे जगन्नाथ यात्रा में, ऐसी घूमते फिरते, भैया मृदंग बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो ऐसे घूमते फिरते, कोई भक्त नहीं थे उसके घर वाले, बस ऐसी बच्चे ने ऐसी जय ददननाथ करके फूल दे दिया बस। पूरे जीवन भर उसने कभी मंदिर नहीं देखा, कभी भगवान का नाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमेशा पूरी जिंदगी उसने उल्टे काम किए, शराब मांस मदिरा, पूरे जिंदगी अपनी ऐसी बिताई। अंतिम समय में उसको यमदूत लेने आए, जब यमदूत उसे लेने आए तो उसको ले गए यमलोक में, तो उसका खाता देखा गया कि इसने पूरे जीवन भर क्या किया। तो उसका खाता जब देखा गया तो उसमें देखा गया इसने तो भैया जीवन भर पाप ही पाप किए, लेकिन कह रहे एक पुण्य किया है, इसने एक बार भगवान का नाम लेके फूल दे दिया था बचपन में। तो कह रहे ठीक है एक काम करो, इसको एक महीने एक दिन के लिए स्वर्ग में दे दो, एक दिन में से स्वर्ग के लिए दे दो। अरे ठीक है, उसे एक दिन के लिए स्वर्ग दे दिया, और बाकी बोला भी जीवन भर ये नर्क में रहेगा। और वो बड़ा परेशान, स्वर्ग में उसने देखा सब कुछ, इतना भोग विलास शांति, सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ की इतने वैभव देख के, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा, क्यों, अगले दिन दोबारा उसे यमदूत आएंगे ले जाएंगे। तो स्वर्ग में गया तो देखा उसने बहुत बड़ा बगीचा, उसमें तरह तरह के फूल लगे। अब उसके मन में एक विचार आया कि मैंने एक बार बचपन में भी तोतली भाषा करके जय जगन्नाथ करके एक फूल दे दिया था, अगर वास्तव में मैं भगवान का नाम लूँ भजन करूँ क्या होगा। वो स्वर्ग के उस बगीचे में घुस गया और सारे फूल उठाए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, सारा फूल सारा बगीचा उसने खाली कर दिया, पूरा बगीचा खाली कर दिया रात तक, और सो गया। सुबह उठा तो देखा देवदूत आए हुए कि चलो रथ में चलो, कहाँ चलो, भगवत धाम चलो। देखो कह रहे कहाँ भगवत धाम, वो कह रहे मैं सपना तो नहीं देख रहा, कह रहे मैं छुट्टी काट दूँ, कह रहे नहीं नहीं तुम भगवत धाम चलो, तुमने अपना जीवन साकार कर लिया है, हैं। तो देखो ऐसा है, उसने भगवान का एक बचपन में नाम लिया थोड़ा सा, तो उसको क्या 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 फल मिला। तो देखो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप ला रहे हो, इनकी कितनी सुकृति बन रही है, पूरा कीर्तन की अटेंड कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, चाहे इनको समझ कुछ भी नहीं आएगा लेकिन बैठ तो रहे,
है ना, इतना ही है कि कम से कम हरे कृष्णा बोल के हाथ ही खड़े कर देते हैं तो ही तभी भी इनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग आइए, अपने बच्चों को जरूर लेके आइए, क्योंकि उनकी जो सुकृति बनेगी ना, आपको पता भी नहीं उसका कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा फल मिलेगा उसको। ठीक है, तो यही बोल के मैं अपनी वाणी को देता हूँ। भगवत गीता में कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया। ये श्लोक का मतलब है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे लिए अगर कोई थोड़ी सी करता है ना, स्वल्पम मतलब थोड़ी सी अगर मेरे लिए कोई करता है, बोले त्रायते महत्वया, कति जन्म मृत्यु दुख कष्ट जितने दुख कष्ट से मैं उसको पार करा के उसको मैं अपना धाम में पहुंचा देता हूँ अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी करी। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रजचति तद अहम भक्त उपरीत स्नामी प्रजतात्मा। देखो कृष्ण क्या कहते हैं, कहते हैं अर्जुन अगर कोई प्रेम पूर्वक, कहते हैं ठाकुर प्रेम के ही भूखे हैं ठाकुर जी, अगर प्रेम पूर्वक ठाकुर जी चार चीज़ का नाम लिया है, कितना चीज़ का नाम लिया आज याद रखना, कल मेरे बोलना। कहते चार चीज़ कौन सा नाम लिया, बोले पत्रम पत्ता का नाम लिया, पुष्पम फूल का नाम लिया, फल का नाम लिया और पानी। कहते ये चार ही चीज़ों में कोई भी एक चीज़ अगर मेरे को प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरे को दे दे हैं, कहते मैं क्या करता हूँ उसको संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो चार चीज़ का नाम लिया है, यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं ऐसे ये चार चीज़ का नाम लिया जो बिना पैसे में मिलता है। मतलब भगवान कहते हैं ये मत समझो भगवान तभी खुश होएंगे जब कोई बहुमूल्य द्रव्य हम ठाकुर जी को देंगे तब खुश होएंगे। कृष्ण कहते नहीं, मैं वस्तु को नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हारी भाव को देखता हूँ। कहते ना दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, ठाकुर जी दुर्योधन भगवान के लिए क्या क्या नहीं बनाया था, छापन भोग 36 व्यंजन, लेकिन कृष्ण झांक करके नहीं देखे। लेकिन कृष्ण कहाँ गए, विदुर के घर में गए और केले का छिलका साग भाजी ठाकुर जी खाए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अगर मेरे को प्रेम पूर्वक अगर कोई चीज़ देते हैं, बोले पत्रम, बोले पत्ता किसने दिया, बोले पत्ता ने विदुराही ने दिया, साग भाजी खाए ना ठाकुर जी, पुष्पम बोले फूल किसने दिया, बोले हाथी गजराज ने, जब मगरमच्छ इसको पकड़ करके खींचते हुए ले जा रहा था हैं, जब पानी को जहाँ तक नाक आया तब तक तो युद्ध किया, तुम तो नाक डूबने लग गया तो मर जाएगा, बस इतने में केवल एक कमल फूल को उठा कर ठाकुर को दे दिया। भगवान कहते हैं जीवन में जल्दीबाजी, केवल जीवन में दो बार मेरे को जल्दीबाजी बचा, बोले एक तो द्रौपदी का वस्त्र हरने समय में और एक गजराज की उद्धार करते समय हैं। भगवान केवल ना रा अभी यण नहीं बोले, ना रा बोले, इतने में ठाकुर जी चक्र को भेज करके उन्होंने मगरमच्छ को काट दिया हैं। इसलिए पत्रम पुष्पम बोले फलम, बोले फल किसने दिया, बोले दिया श्री सबरी, कहता सबरी झूठे फल सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहले सबरी आज तुम्हारी झूठे बेर में जो स्वाद आ रहा है, मेरे को बैकुंठ में मेरे लक्ष्मियाँ मेरी कितने सेवा करती हैं वो आनंद नहीं आता आज तुम्हारी झूठे बेर में जो स्वाद आया हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, त्वयम मतलब होता है पानी, ठाकुर जी को पानी किसने दिया, बोले अद्वैत आचार्य केवल तुलसी दल गंगा पानी दे करके ठाकुर जी को बुलाए तो ठाकुर जी का आसन हिल गया, ठाकुर जी का आसन हिल गया और ठाकुर जी गोलोक वृंदावन छोड़ करके मरते जगत में ठाकुर जी आ गए। इसलिए भगवान बड़े दयालु हुए, भगवान बड़े कृपालु हुए, उनके लिए थोड़ी सी कुछ कर दो ना खुश हो जाते, लेकिन दुनिया के लिए देखना आप कितने क्या नहीं करते होंगे। संसार में अक्सर करके देखना अपना लिए आप बहुत काम करते होंगे, दूसरों के लिए दिन भर करते होंगे, अपना बीवी को कैसे खुश करें, अपना बच्चों को कैसे खुश करें, अपना सास को कैसे खुश करें, अपना ससुर को कैसे खुश करें, अपना परिवार को, इसलिए तो लगे हुए ना,
आपको बताता हूँ, आपको ऊपर में घर में कोई खुश है क्या? बोला किसी को पूछ लो, दिन भर कर रहे हो संसार के लिए मर रहे हो, दिन भर कैसे खुश? अभी तो कोई खुश है तुम्हारे पास में? देखना पीछे तुम्हारी चुगली करते हो, दुनिया तुम्हारी चुगली करते घर, आपको उसे जानता हूँ। और क्या करता भैया, जगत में किसी को भी खुश नहीं कर सकते बदनाम की सिवाय। दुनिया में तुमको कुछ भी मिलने वाले नहीं, केवल बदनामी बदनाम मिलेगी और कुछ मिलेगी नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ऐसे है, ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी कर दो ना। द्रौपदी ने क्या की, भगवान का अंगुल कट गया, थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके बैंड जितना तक की। ठाकुर जी सोच रहे हैं द्रौपदी अपना साड़ी फाड़ दी मेरे लिए, इसका मैं कब ऋणी कब चुकाऊँ, इसका ऋणी कब चुकाऊँ, मेरे को कब मौका है। ठाकुर सोच रहे हैं इसका ऋणी कब चुकाऊँ, ऋणी कब चुकाऊँ। जब भरी सभा में लाज जा रही थी, जिसकी पांच पांच पति, अगर हमारी एक पति अगर रुपया पैसा बलवान हो ना, स्त्री छाती सीना चौड़ा करके चलती है, अरे तुम मेरे क्या कर सकते, मेरे पति ऐसे ऐसे। और उसी समय जिनका पांच पांच पति और पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, गदाधारी, तलवारधारी और कौन भालाधारी, पांच पंच पांडव कितने बड़े बलवान थे। लेकिन द्रौपदी की जब वस्त्र हरण हुई कोई काम में आए बताओ, कोई काम में आए उसकी? वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, पति लोग तो कुछ बोलेंगे, सब सर झुका कर बैठे हुए थे, कोई भी काम में नहीं आए हैं। फिर सोच रही थी यहाँ पर पितामह भीष्म अगर एक गोली निकल जाए ना, कोई काट नहीं सकते, इतने बलवान थे। महाभारत देखे कि नहीं, भीष्म को क्या पराक्रम, द्रोणाचार्य क्या पराक्रम, अस्वस्थ वहाँ पर श्री कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सारे गुरुवर्ग बैठे हुए, उनको आग फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, मेरी लाज जा रही है। लेकिन सब मेरे कुछ बोल नहीं रहे, कोई काम में नहीं आए उनमें। अंतिम समय में कौन काम में आए, बल मुरली वाले काम में आए, जब देखा कोई रक्षा नहीं किया, दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब जीवन हरि। मैं तो सोच रहा था ये कुछ बोलेंगे, लेकिन कोई कुछ बोल, तू ही मेरे लाज बचा सकती है। फिर साड़ी वहाँ पर प्रकट हो गया, 10,000 हैं हाथी की ताकत हैं, 10,000 हाथ गज बल घटो घटो ना 10 गज साड़ी हैं, कहा कर बैर प्रबल जहाँ सहाय रघुवीर। जिसको भगवान रक्षा करने वाले, कहते ना जाके राके साइया, मार सके ना कोई बाल ना बंका कर सके जो जग बैरी हुई हैं। इसलिए भैया जिसको हम सोच रहे ना ये हमें रक्षा करेगा, कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, कोई भी काम में आने वाले नहीं। हर जीवन में जिसको पूजा करो, जिसको सेवा करो करो, और जब अंतिम समय आएगा जब चार व्यक्ति ले जाएंगे, बोलेंगे राम नाम सत्य है, ये बोलेंगे ना गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले भैया जीवन में जितने राम और कृष्ण बोला वही जा रहे, इसके सिवाय तुमने जितना अगड़ू बगड़ू इधर उधर इकट्ठे किया और किया है ना, सब झूठा है, कोई तुम्हारे साथ नहीं जा रही। इसलिए क्या करनी चाहिए हमें, किसके लिए करनी चाहिए बोलो, हर जीवन से बोलो, हाँ भगवान के लिए करो, उनका नाम लो, उनका नाम जप करो, उनकी सेवा करो, उनकी कीर्तन करो, उनको भक्ति करो, बस देखना पृथ्वी में सबसे बड़े आप ही बन सकते हो। जो जितने भगवान की भक्ति किया ना जगत में, अभी तक वो उतना ही जगत में बड़ा हुआ है। देखो मीरा का नाम अमर हो गया, हनुमान का नाम अमर हो गया, तुलसीदास का नाम अमर हो गया, ध्रुव प्रहलाद का नाम अमर हो गया जगत में, हो गया कि नहीं इनका नाम। लेकिन ये जगत में बड़े से बड़े पद, जैसे अभी मोदी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी मती, अगली इलेक्शन में नहीं आएगा तो कोई मोदी बोलेगा उसको, राहुल को भी पूछता है, कोई पूछता है राहुल को, सोनिया गांधी कोई पूछता है, अभी जोगी जोगी अगर अगली इलेक्शन में नहीं आएगा तो कोई जोगी का नाम लेगा, कोई नाम नहीं लेगा। जगत का बड़े से बड़े पोस्ट है ना, सब खत्म हो जाने वाले 2 दिन का है। लेकिन अगर हनुमान का नाम कभी मिटेगा, तुलसीदास नाम मिटेगा, मीराबाई के नाम मिटेगी नहीं, अमर हो जाएगी। हमारे जो भागवत ग्रंथ है जिसमें ध्रुव प्रहलाद का चरित्र है, ये कब आए, सत्य युग में आए, करोड़ों साल पहले आए। जैसे ये भागवत ग्रंथ है ना, जब इस दुनिया विश्व संपूर्ण प्रलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये महाप्रलय में सब खत्म हो जाएगी दुनिया, लेकिन ये जो ग्रंथ है ना ये खत्म नहीं होता, ये खत्म नहीं होता ग्रंथ, गीता भागवत खत्म नहीं होगा। ये फिर क्या होता है, फिर ये भगवान का धाम में चले जाते हैं,
लेकिन फिर जब जगत में दोबारा सृष्टि होता है फिर वही गीता रामायण भागवत फिर आता है। इसलिए कृष्ण गीता को कहते बोले अर्जुन ये मत समझो अभी तेरे को मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तुमको पहले भी हैं मैंने पहले भी तुमको ये गीता ज्ञान मैंने पहले सूर्य को भी प्रदान की कभी हैं, कभी मैंने सूर्य को प्रदान की थी वही ज्ञान फिर तुमको दो बार दे रहा हूँ। इसलिए जो ग्रंथ गीता भागवत ये नित्य है, अगर हम भगवान की भक्त बन जाओगे ना गीता भागवत में तुम्हारी नाम आ जाएगी, गीता भागवत में तुम्हारी नाम हो जाएगी, फिर जब जगत सृष्टि होगा ना फिर वही ध्रुव प्रहलाद मीरा तुलसीदास हनुमान का नाम फिर जगत फिर आएगा है फिर आएगा। इसलिए कहते अगर बड़ा बनना तुम्हारी इच्छा है, अगर चाहते हो जगत में हम सबसे टफ सबसे बड़ा बनने के, क्या बन करके बड़ा बनो, हीरो हीरोइन नहीं, हीरो हीरोइन बन करके नहीं, भगवान की भक्त बन करके सबसे बड़ा जगत में पैदा है भगवान की जो भक्त बन गया। ठीक है एक बार हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अभी हमारे प्रभु जी कुछ कथा सुनाएंगे, इसको ध्यान से सुनो, वो जो टॉपिक सुनाएगा ना वो टॉपिक बहुत गहरा टॉपिक है, कितना दूर आपका समझ में आएगा मेरे को पता नहीं, लेकिन वो टॉपिक बहुत बहुत ही गंभीर टॉपिक है, जितना सुन सके समझ पाओ समझ बोल। ओम ज्ञान जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्ध गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण साष्टांग नमन प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नितला अष्ट भक्ति वेदांत भक्ति श्री शिल सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण साष्टांग नमन प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग रूपानुग गुरुपाद पद्म सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर जगद्गुरु प्रभुपाद सपरिकर शिल जुगल किशोर राधा गोविंद जी के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम उपस्थित सतीर्थ गुरुभ्राता वृंद पूज्यपाद श्रीकांत प्रभु पूज्यपाद सामान प्रभु समेत अन्य समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भक्त वृंद चरण में अधम का यथाजोग दंडवत प्रणाम स्वीकार। कुछ दिन से हम श्री राय रामानंद संवाद श्रवण कर रहे थे, उसमें जो पहला श्लोक है उसको हमने श्रवण किया था, बस उसका नॉर्मल जो साधारण अर्थ को श्रवण किया था, लेकिन जो हमारे गुरुदेव ने टीका लिखा है उसको श्रवण करेंगे। उस श्लोक को फिर से मैं बोलता हूँ। संचार्य रामभिदं भक्तमेद भक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धरुतेन जुतं वितीर्णं सज्ज्वलं रसतलयातं प्रयाति। ये जो श्लोक है इसमें एक बात मैंने उस दिन कहा था, जिस प्रकार समंदर के पानी कोई पी नहीं सकते, पूरा नमकीन पानी, किसी को समंदर के पानी को दो तो पिएगा क्या, पी नहीं सकता। लेकिन उसी समंदर से जब बाष्पीकरण होता है सूर्य के किरण के द्वारा वो मेघमाला में जाता है वो जल, अब जब बारिश होता है उसी बारिश को जल को ग्रहण किया जा सकता है। और अरे जो हाथ उठा बढ़ा दो इतना
कहानी के पैसे को समुद्र का उदाहरण दिया, ऐसा समुद्र का उदाहरण दिया। तो जो समंदर है उसका उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, किस प्रकार का उनका उदाहरण है? श्रीकांत किस प्रकार का उपमा दे रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद? इसमें बता रहे हैं कि जो समंदर है वो समंदर का पानी को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी समंदर का पानी जब मेघमाला में जाता है वो मेघ से जब बारिश होता है उसको ग्रहण किया जा सकता है, एक उदाहरण। दूसरे बात को यहाँ पे बता रहे हैं, अब देखो स्वादि नक्षत्र में जब ये बारिश होता है और उसी बारिश का उसी मेघ से बारिश होके जो समंदर के अंदर जो सीप रहते हैं कुछ किसी प्रकार का कुछ मछली रहते हैं जिनके आँखों में उसी बारिश का पानी गिरे तो वो मोती होता है। तो इसी प्रकार जो समंदर से फिर बाष्पीकरण होकर सूर्य के पास जाते हैं और सूर्य से पुनः वो पानी बारिश होता है और समंदर में गिरता है और स्वादि नक्षत्र हो गया तो वो मोती हो जाता है। तो समंदर इसी प्रकार ही अपने कारण के वजह से ही रत्नाकर कहलाता है। समंदर के अंदर पूरा रत्न रत्न ही है, शंख मोती माणिक्य कितना प्रकार का रत्न है, तो बनता कैसे? इसी कारण के द्वारा बनता है। तो इसमें बता रहे हैं कि संचार्य गुरुदेव इस टीका को लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेघ है जो पीयूष है वो रामानंद राय जी है और यहाँ पे समंदर कौन है? भक्ति रस का अगाध समंदर है, भक्ति रस का इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर रस तत्व है श्रीमन महाप्रभु। महाप्रभु साक्षात समंदर स्वरूप रस तत्व है, लेकिन महाप्रभु ने स्वयं उसी चीज को दिया नहीं। अब देखो जिस समय महाप्रभु आ रहे थे राधा रानी को अंगकांत के लेके, उस समय राधा रानी बोलती है आप अकेले इस रस का आस्वादन नहीं कर सकते, आपको गुरु का आवश्यकता होगा, इसलिए मेरे ये दोनों सखी ललिता विशाखा और जितने भी मंजरी गण को इनको सबको ले जाओ, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये ललिता सखी, ये रामानंद राय, ये विशाखा सखी के रूप में आए। तो वो जो सखीगण अभी गुरु का कार्य किस प्रकार कर रहे हैं देखो, इसमें हमारे गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में बड़े विस्तृत रूप में बड़े अच्छे तरीके से हमारे गुरुदेव लिख रहे हैं इस चीज़ को कि बता रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु के शांत दास्य वात्सल्य और उसमें भी तथा मधुर रस के जो पराकाष्ठ है जो अमृत है उसी अमृत का संचार्य किया, बाष्पीकरण करके रामानंद राय को दे दिया मेघ में। अब रामानंद राय से जिस प्रकार का भाव जिस प्रकार का बारिश हुआ रामानंद राय में, जिस प्रकार का महाप्रभु के राधा रानी के महाभाव तक जिस प्रकार उन्होंने विवेचना किया रामानंद राय जी ने श्रीमन महाप्रभु के सामने, तो उसको सुनते 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 ये जो महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं तो रत्नाकर बन गया, सिद्धांत तत्व के मैं रत्नाकर बन गया, किस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं? जिस प्रकार समंदर से पानी जाता है और बारिश होने के कारण समंदर में जो मछली रहते हैं उनके आँखों में जब वो पानी जाता है तो मोती बन जाता है उस, और समंदर रत्नाकर बन जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु भी यहाँ पे समंदर हैं और रामानंद राय मेघ हैं, तो उसी मेघ के जो रस तत्व जो महाप्रभु से जो रस बाष्पीकरण होके उसी मेघ पे गया यानी रामानंद राय पे गया, तो श्रीमन महाप्रभु ही अपने सारे के सारे रस को रामानंद राय जी के हृदय में पहले प्रवेश करवाया। अब उसको जो पुनः श्रवण करते हैं जो रस विचार को पुनः श्रवण करते हैं अपने स्वभक्ति को जो पुनः श्रवण करते हैं ये रामानंद राय के मुख से, तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव लिख रहे हैं कि सिद्धांत रत्न बन गया मैं, सिद्धांत का जो रत्न है वो मैं बन गया हूँ, महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। दूसरे अर्थ में बता रहे हैं कि एतत्त्व मर चित्ते कैल प्रकाशन ब्रह्मा के वेद जैन पढ़ाइल नारायण। श्री रामानंद राय बता रहे हैं कि एतत्त्व मोर हृदय कले प्रकाशन, कि इस प्रकार का जो तत्व पहले मुझे प्रकाशित किया, जिस प्रकार ब्रह्मा को वेद का ज्ञान नहीं था नारायण उनको क्या किए पहले वेद पढ़ाए, तो उसी प्रकार जिस प्रकार नारायण ने उनके ब्रह्मा के हृदय में सारे के सारे शक्ति को संचारित किया, तो उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने अपने सारे अगाध रस को मेरे हृदय में संचारित किया। कौन बोल रहे हैं? ये रामानंद राय जी बोल रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने मेरे हृदय में सारे के सारे उसी रस तत्व को संपादित कर दिया ताकि मैं उसी रस को बरसा कर सकूं, उसी रस को बोल सकूं, और श्रीमन महाप्रभु के जो रस को आस्वादन करने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए हैं उसी रस को मैं पूर्ण रूप में उनको आस्वादन कर सकूं, करवा सकूं।
अंतर्यामी ईश्वरे ये रीति हय बाहिरे ना कहे वस्तु प्रकाश है हृदय। ये इतना गंभीर तत्व है श्रीमन महाप्रभु के बारे में श्री राय रामानंद जी बता रहे हैं कि इतना गंभीर तत्व है, इतना गंभीर तत्व है बाहिर ना प्रकाश कहे, मतलब बाहर में प्रकाश नहीं किया जा सकता, इसको कोई भी धारण नहीं किया जा सकता, और इसको ना वस्तु प्रकाश है हृदय, ये वस्तु तो केवल हृदय में प्रकाशित होने वाला चीज़ है, इसको बाहर प्रकाशित नहीं किया जा सकता। तो इसमें बता रहे हैं जो रामादि भक्त मेधव इस श्लोक में आता है, तो इसमें सीधा सीधा गुरुदेव इस एक बात को लिख रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी निज विषय भक्ति सिद्धांत को धारण करके पुनः वर्षा कर सके, और इसी धारण किए जो मेघ जो जिनको बनाया ना श्रीमन महाप्रभु ने, वो दूसरा और कोई भी साधारण बद्ध जीव नहीं हो सकता। जो उसी रस में पूरा पूरा विवेचना है, जो निकुंज रस में रहते हैं ललिता विशाखा आदि सखीगण, वो विशाखा सखी जो चामर ढुलाती हैं और देखते रहते हैं किस प्रकार राधा रानी के भाव, किस प्रकार कृष्ण के भाव, किस प्रकार ईगोल के भाव है, उसी भाव को वो पूर्ण रूप में अनुभूति कर चुके हैं। तो उसी अनुभूति के कारण ही श्रीमन महाप्रभु ने उनके द्वारा ही रारे के सारे रस तत्व को आस्वादन किया। अब देखो इसमें एक बात पहले बताया था, जैसे ही रामानंद राय कौन है, विशाखा सखी, ये पूरा पूरा अपने सारे रस तत्व को श्रीमन महाप्रभु के सामने प्रकाशित कर दिया, और जैसे ही श्रीमन महाप्रभु ने उस सारे रस को सुने तो उनके हृदय की जो भाव है, उनके हृदय की जो दशा है, अब कृष्ण के सामने कृष्ण को ही प्रशंसा करो कि आप ऐसे करते हैं, राधा रानी आपसे छुप छुप के ऐसे मिलने आते हैं कि आप इस प्रकार भगा देते हैं, जो वो जो भावना है, जो चीज़ है, उसको सुनते सुनते महाप्रभु का जो भाव को देख के विशाखा सखी मूर्छित हो गए, ये रामानंद राय मूर्छित हो गए। तो किस प्रकार का उनका जो विचार है यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव कि हमारा जो भाव है केवल की केवल मंजरी भाव ही है, मंजरियों श्री राधा रानी के प्रति स्वाभाविक होते हैं, स्वाभाविक रूप में श्री मंजरियों मंजरीगण राधा रानी के सेवा करते हैं, और यहाँ पे साक्षात बोल रहे हैं जबकि कृष्ण के प्रति संचारित भाव है, इनमें से सेवा में कृष्ण के प्रति इसलिए किया जाता है क्योंकि वो राधा रानी को सुख देने वाले हैं। हमारा कृष्ण के साथ संबंध यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव, बता रहे हैं सीधा सीधा लिख रहे हैं कि कृष्ण के प्रति स्वाभाविक भाव इस सेवा में कृष्ण के प्रति इसलिए की जाती है, कृष्ण के प्रति इसलिए हमारा प्रीति है। किस कारण के लिए हमारा कृष्ण के प्रति प्रीति है, तो बता रहे हैं कि राधा रानी के सुख देने वाले हैं, कृष्ण कौन है, राधा रानी को सुख प्रदान करते हैं, इसीलिए कृष्ण के प्रति हमारा संबंध है। भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं राधा पक्षे छड़ी जे जन से जन जे भावे सेवावे थाके आमी तो सर्वदा राधा पक्षे पाती कभू ना विहरिता के, कि राधा रानी को पक्षे को छोड़ के राधा रानी को जो ग्रुप, जो राधा रानी को टीम है, जो राधा रानी को जो जो गण है, उनको छोड़ के अगर इधर उधर कोई चला जाता है तो अमी तो सर्वदा राधा पक्षपति, ये कोमल मंजरी बता रहे हैं कि हम तो सदा सर्वदा राधा रानी के पक्ष में ही हैं, और जो राधा रानी के पक्ष से विमुख हो जाते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उसको कभू ना ही हेरी ताके, हम कभी उसको देखते भी नहीं, पूछते भी नहीं उनको, और हमारे उसके कोई संबंध नहीं, चाहे वो कृष्ण भी क्यों ना हो, हमारे उससे कोई संबंध नहीं है। अब देखो इसमें एक तत्व पहले और बता रहा हूँ, अब कृष्ण सर्वशक्तिमान है, कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कृष्ण सारे रस के आस्वादक हैं। अब जब ये कृष्ण क्या करते हैं, इनके लीला करने का इनका हृदय में इच्छा होता है कि मैं कुछ लीला करूं। अब सच्चिदानंद भगवान है तो आनंद के जो स्वरूप है वो कौन है, श्री राधा रानी, कृष्ण के बाएं अंग से श्री राधा रानी प्रकाशित हुए, और दाएं अंग से कौन, श्री बलदेव प्रभु प्रकाशित हुए। तो कृष्ण के जो लादिनी शक्ति हैं, जो आनंद शक्ति हैं, कृष्ण से ही राधा रानी प्रकाशित हुए। अब देखो इसमें एक विचार बता रहे, अब कृष्ण तो है ही है और कृष्ण के बाएं ओर से राधा रानी आ गए, अब मान लो राधा और कृष्ण युगल में निकुंज में कुछ कुछ लीला कर रहे हैं, और लीला करते करते क्या हो रहा है कि मान लो अगर कृष्ण मान कर लिया तो राधा रानी समझा लेंगे, राधा रानी मान कर लिया तो कृष्ण समझा लेंगे। अब भाई बताओ दोनों मान कर लिया तो, दोनों मुंह फेर के बैठ लिया तो क्या होगा, एक तरफ कृष्ण अपने मुंह मोड़ के बैठे हैं, मैं नहीं जाने वाला हूँ राधा रानी के पास, एक तरफ राधा रानी बैठे हैं, मैं नहीं जाऊँगा उस ध्रुत के पास, तो दोनों मान किए हैं, अकेले अकेले मान करते तो अकेले अकेले को आपस में समझा लेते हैं,
कृष्ण मान गया तो राधा रानी समझा देंगे, कुछ ना कुछ चकाचक प्रसाद बना के कुछ ना कुछ श्रृंगार करके मना ही लेंगे। अब राधा रानी मान गए तो कृष्ण क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नटखटपन से अपने कुछ कारण अपने कुछ लीला के उद्देश्य से समान कर चुके हैं। श्रीमन राधा श्रीमती राधा रानी के जो गुण है बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद कि श्रीमन राधा रानी के जितने भी गुण है अनंत कोटि गुण है, वो गुण में से एक एक गुण को संचारित करके एक एक सखी मंजरी प्रस्तुत करते हैं, एक एक मंजरी एक एक सखी को प्रस्तुत करते हैं। जो ललिता अष्टकम में बताएं कि देवी गुणेशु ललिताम ललिताम नमामि, उसमें बोल रहे हैं कि देवी जो राधा रानी के जो गुण है उसमें भी अनंत गुणों में भी जो प्रकाशित है जो एक गुण है जो ललिता सखी है। इस प्रकार राधा रानी के अनंत गुण है। देखो राधा रानी के क्या क्या गुण है बता रहे हैं, चकाचक प्रसाद बनाएंगे, चकाचक फूलमाला बनाएंगे, चकाचक श्रृंगार वस्त्र करेंगे, निकुंज को सजाएंगे, अकेले किशोरी इतना नहीं कर सकते, इसलिए अपने अपने एक एक गुण के द्वारा एक एक सखी को प्रस्तुत किया। एक सखी इतना सुंदर फूल बनाते हैं कृष्ण देख के मोहित हो जाते हैं, एक सखी मंजरी इस प्रकार का प्रसाद बनाते हैं उसको देख के कृष्ण खा के तृप्त हो जाते हैं, तृप्त हो खाए कृष्ण तृप्त हो जाते हैं, और एक सखी इतना सुंदर तांबूल अर्पण करते हैं उसको भी कृष्ण मोहित हो जाते हैं, एक सखी इस प्रकार का चामर आलट करते हैं उसको भी देख के कृष्ण मोहित हो जाते हैं। तो राधा रानी का भी जितने भी गुण है, और राधा रानी अकेली लीला नहीं कर सकते इसलिए राधा रानी से ही सारे सखी और मंजरी फिर प्रकाशित होते हैं। अब देखो राधा रानी से सखी मंजरी प्रकाशित हो गए, कृष्ण भाई क्यों छोड़े, कृष्ण से ही सारे के सारे सखा फिर प्रकाशित हुए। अब उसके बाद अब ये राधा और कृष्ण में अगर कृष्ण रूठ गए और राधा रानी भी रूठ गए, दोनों के दोनों मुंह फुला लिए, तो ये सखी मंजरी क्या करते हैं, दोनों को दोनों जाके मिलन करते हैं। देखो ललिता कुंड ललित यथाए राधिकारे अनिचले कृष्ण रे मिलाए, तो किस प्रकार का ललिता सखी सबको मिलन करते हैं। वृंदा देवी वहाँ पे, जोग माया देवी जितने भी वहाँ पे प्रकाशित हैं, विशाखा तुंग भोद्या चंपक लता ये सब मंजरीगण हैं, ये सब कृष्ण और राधा रानी को मिलन करवाते हैं। अब पूरा आनंद लीला चल रहा है, ये हो गए स्वपक्ष, ये स्वपक्ष भाव। अब देखो लीला चल रहा है और लीला में अगर विलेन नहीं आए तो हो सकता है कोई खिंचाटानी नहीं हो तो आनंद लगेगा, इसलिए विपक्ष भाव को प्रकाशित किया। विपक्ष भाव चंद्रावली, चंद्रावली को भाव को प्रकाशित किया, वो हो गए विपक्ष भाव। ओ उनको लेना देना राधा रानी से नहीं है, उनको लेना देना तो कृष्ण से है। कृष्ण जहाँ जाते हैं वो चंद्रावली के कुंज में, दो टीम हो गए, एक तो राधा रानी के टीम के सखीगण और एक चंद्रावली के टीम के, राधा रानी के सखी के सखीगण, राधा रानी के टीम के सखीगण स्वपक्ष और चंद्रावली के टीम के सखीगण विपक्ष हो गए। अब एक उभय पक्ष तटस्थ जिसको बोलते हैं, उन वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब कृष्ण राधा रानी के कुंज में लीला करते हैं तो वो कृष्ण के साथ वहीं रुकते हैं, कृष्ण अगर राधा रानी को छोड़ के चंद्रावली के कुंज में लीला करते हैं तो वहाँ फिर चले जाते हैं। लेकिन जो स्वपक्ष भाव है, जो स्वपक्ष भाव है रूप मंजरी के साथ जो जितने भी मंजरी गण है और जितने भी सखी गण है, वो उनको लेना देना कृष्ण से नहीं है, उनको तो डायरेक्ट सीधा का सीधा लेना देना किशोरी जी से, राधा रानी से। अगर कृष्ण अगर चंद्रावली के कुंज में चले ही भी जाते हैं तो वो सखीगण कृष्ण को जाके ढूंढ करके ललिता सखी दूर से ऐसे आँख करते हैं, बिलो हिताक्षम, अपने आँख को लाल लाल करते हैं और ऐसे घूर घूर के देखते हैं, ऐसे घूर घूर के देखते हैं कृष्ण को। हाँ तो कृष्ण वहाँ से डर जाते हैं, अब क्या होगा वो सोचने लगते हैं, वो ब्रह्मांड के जो मालिक वो सोचने लग, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, जो ज्ञानम में परम गुह्यम मतलब जो सर्वसत्य परतत्व जो ज्ञान के जो भंडार है वो सोचने लगते हैं कि अब मेरा क्या होगा, ये ललिता सखी आ गई। अब जब बाघ युद्ध के लिए कि जिस समय वाणी में राधा रानी को देखते हैं कि ये राधा रानी को कृष्ण जिस प्रकार का अगर थोड़ी सी भी कुछ तंग करे तो ललिता सखी तुरंत ही सामने आके उनको इस प्रकार का बात बोलते हैं कि बिलज्जयंती, लज्जित कर देते हैं कृष्ण को और वहाँ से कृष्ण भाग जाते हैं। तो ये जो स्वपक्ष भाव है यहाँ पर गुरुदेव इसी बात को बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने जीव मात्र को ये थोड़ा रस को आस्वादन करवाने के लिए ही अपने समंदर रूपी अगाध रस के द्वारा उसको मेघ के द्वारा किसको संचारित किया, रामानंद राय के हृदय में संचारित किया। अब वो जो बारिश हुआ रामानंद राय ने जिस प्रकार का बारिश हुआ, अब देखो बारिश तो हुआ, कुछ पानी समंदर में गिरा
और कुछ पानी कहाँ गिरेगा, बाहर भी गिरेगा। तो समंदर तो स्वयं महाप्रभु ही है, महाप्रभु तो सारे के सारे तत्व तो सुन ही लिए, और कुछ जो छीटा पुटा जो गिरा वो हमारे गुरुवर्ग रूप गुरुवर्ग के द्वारा से अब हम उसको श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव इसी बात को लेकर कि हम उसी थोड़ा सा ही जो स्पर्श कर दिए, उसी थोड़ा सा बारिश का जो स्पर्श हो गया, जो हवा लग गया, इसी बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी माधुर्य कादंबिनी में पहले ही एक श्लोक में लिख रहे हैं कि दुराम ने मरुभूमि शाखा अपि न चक, कि मैं तो मरुभूमि सदृश बहुत दूर में था, लेकिन जब मेघ का जो कादंबिनी रूपी जब बारिश आया, उसके हवा लगने मात्र से ही मेरे ऊपर क्या हुआ, कृपा हो गया। इसी भाव को भी यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिख रहे हैं कि मैं भी तो बहुत दूर हूँ, लेकिन रामानंद राय की जो तत्व है, रामानंद राय ने जो जिस प्रकार का बारिश किया, वो तो कुछ समंदर में गिरा, और वो जिस जगह पे बारिश हुआ था उसके जो हवा, ठंडी ठंडी हवा जब आके मेरे हृदय पे लगा, तो वो मेरे हृदय को भी कोमल किया, मेरे हृदय में भी उसी शक्ति का संचारित किया। अब देखो इतने रस तत्व कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लिख रहे हैं, वो वास्तव में कितने रसिक होंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पर। तो इसमें हमारा संबंध, तो संबंध ज्ञान को यहाँ पे प्रदान करते हुए बता रहे हैं गुरुदेव कि इस सेवा में कृष्ण के प्रति, इसलिए हम कृष्ण के सेवा करते हैं क्योंकि वो राधा जी को सुख देने वाले, उनके प्राण वल्लभ है। इस प्रकार भक्ति सिद्धांतों को यहाँ अमृत के समान बता रहे हैं, ये साक्षात और कुछ भी नहीं है, ये साक्षात अमृत तत्व है। इसके आगे बता रहे हैं कि जो इसमें एक प्रश्न उठता है, प्रश्न पूछ रहे हैं, स्वयं ही प्रश्न करते हैं और स्वयं ही उसका उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हमारे जैसे बद्ध जी में कहाँ हो सकता है, कौन पूछ सकता है इस प्रकार का प्रश्न। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि प्रश्न उठा रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं संपूर्ण रूप में संपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञाता है, श्रीमन महाप्रभु सारे के सारे सिद्धांत, सारे के सारे रस तत्व विचार तत्व में श्रीमन महाप्रभु पूर्ण है, उनके हृदय में सारे के सारे रस विचार सिद्धांत है, ज्ञान है। होने पर भी यदि ऐसा नहीं हो सकता तो वो राय रामानंद के हृदय में उन भक्ति सिद्धांतों को कैसे संचारित करते। अगर श्रीमन महाप्रभु के हृदय में उसी रस को नहीं होता तो ये रामानंद राय के हृदय में उस रस को कैसे संचारित कर देते। इसका मतलब यहाँ पे एक टीका बता रहे हैं। देखो जो शास्त्र है, जितने भी हम वेद श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, जितने भी शास्त्र है वो समंदर के समान है। कितने प्रकार का उपनिषद है हमारे, जो गौड़ीय कंठहार में देखना, उसमें जितने भी श्लोक कोटेड किया गया है, कहीं नारद पुराण, गरुड़ पुराण, कितने कितने उपनिषद जो तो सुने ही नहीं, और कितने कितने पुराण, कितने कितने उपनिषद से एक एक श्लोक को कोटेड किए हैं गौड़ीय कंठहार जो हम हर याद करते हैं। तो उसमें भी अगाध शास्त्र है, तो शास्त्र को समंदर के समान बोला गया है, उसमें से हम सीधा सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। उसमें से सारे के सारे शास्त्र को पढ़ने जाओगे तो क्या होगा, कितने करोड़ों जन्म लग जाएगा फिर भी खत्म नहीं हुआ, इतना अगाध शास्त्र है, इतना शास्त्र का सिद्धांत है, इतना तत्व विचार है, तो वो पूरा समंदर के समान है। लेकिन गुरुवर्ग के द्वारा वो शास्त्र जब आचीन होती होता है मेघ के समान, वो शास्त्र को पिया नहीं जा सकता, वो समंदर को पिया नहीं जा सकता, लेकिन गुरुवर्ग के द्वारा उस शास्त्र को जो चयन करते हैं, और गुरुवर्ग होते हैं मेघ, गुरुवर्ग मेघ के सदृश होते हैं, अब उसमें चयन करते हैं, आचीन होती उसको चयन करते हैं, समंदर से बाष्पीकरण होता है और मेघ में जाता है, और गुरुवर्ग से जो आता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, जो गुरुदेव से आया है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, सीधा सीधा हम ग्रहण नहीं कर सकते समंदर से। इसीलिए शास्त्र के जो गौड़ीय कंठहार में जिस प्रकार का जो एक एक श्लोक को कोटेड कर रहे हैं ना गुरुवर्ग ने, वो हमारे लिए एक एक में अमृत है। क्यों अमृत है, इतना सारा सिद्धांत तो मुंडक उपनिषद कौन पढ़ेगा, इतना हजार हजार श्लोक है उसमें से एक श्लोक को कोटेड कर रहे हैं, श्वेता श्वेतर उपनिषद जस्य देवे पराभक्ति कौन पढ़ेगा, इतना इतना श्लोक है उनमें से एक श्लोक को कोटेड कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र कोई मतलब समंदर के समान है, और उसमें जब गुरुवर्ग उसको आचीन होती चयन कर लेते हैं और जो बारिश कर देते हैं, जो श्लोक को देते हैं, वो हमारे लिए ग्रहणीय है। तो इसमें बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु के हृदय में अगर वो शक्ति अगर नहीं होता, वो रस का रस तत्व अगर सिद्धांत नहीं होता, तो भाई बताओ रामानंद राय के हृदय में वो संचारित कैसे करते। इसका मतलब श्रीमन महाप्रभु पहले ही बता रहे हैं कि समंदर के स्वरूप है और रामानंद राय मेघ के स्वरूप है। इसके आगे बता रहे हैं, अतः श्रीमन महाप्रभु पहले से ही स्वभक्ति सिद्धांत थे, परंतु यहाँ फिर एक प्रश्न होता है कि रामानंद राय से मुख से श्रीमन महाप्रभु ने क्यों सुना।
अब प्रश्न उठता है, अब तो एक प्रश्न का समाधान हो गया कि श्रीमन महाप्रभु पहले से ही रस तत्व में, उनका हृदय में पूरा रस तत्व है, पूरा सिद्धांत है, इसलिए उन्होंने रामानंद राय के हृदय में वो रस को दे दिया। अब श्रीमन महाप्रभु के हृदय में तो था, उन्होंने फिर रामानंद राय को देने का क्या आवश्यक था? रामानंद राय को उन्होंने क्यों दिया? वो खुद ही खुद आस्वादन करते, रामानंद राय को देने की आवश्यक ही नहीं। रामानंद को रामानंद राय जी को दिया, फिर श्रवण किए, इस प्रकार का आवश्यक क्या था? तो बता रहे हैं कि इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका समाधान ये है कि प्रभु का पूर्व ज्ञान केवल ज्ञान था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, गुरुदेव इसमें टीका बता रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु का ज्ञान है वो केवल ज्ञान मात्र था। राधा रानी किस प्रकार का भाव से करते हैं, किस प्रकार भाव से प्रसाद बनाते हैं, किस प्रकार भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं, वो कृष्ण को ज्ञान मात्र है कि हाँ अभी राधा रानी प्रसाद बना रही होगी, हाँ अभी राधा रानी मेरे लिए पुष्प बना रही होगी, देखे नहीं, वो केवल ज्ञान मात्र है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन केवल ज्ञान था, लेकिन पिछले वाला ज्ञान वो ज्ञान नहीं है। रामानंद राय जी ने जिस प्रकार का ज्ञान को दिया वो ज्ञान नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं वो विज्ञान है। रामानंद राय ने जिस प्रकार का ज्ञान को दिया वो विज्ञान है, और ज्ञान और विज्ञान का तात्पर्य विशेष अनुभूति पूर्वक ज्ञान है। ज्ञान तो केवल ज्ञान है, थ्योरी मात्र है, लेकिन प्रैक्टिकल वो विज्ञान है। मान लो जैसे हमको पता है कि सब्जी बनाना है, उसमें छोंक लगाओ, उसमें राई डालो, नमक डालो, हल्दी डालो, ये तो हम तो जानते हैं ज्ञान, लेकिन प्रैक्टिकली जब करते हैं उसको, उसमें भी जल जाता है, नमक ज़्यादा बन जाता है, छोंक काला हो जाता है, उसमें भी अच्छा नहीं लगता है, फिर उसको बनाते बनाते एक दिन परिपक्व हो जाता है, जो बोलते बोलते पूरा पूरा अच्छा बन जाता है, तो वो वास्तव में अनुभूति ज्ञान है, तो वो विज्ञान है। एक श्लोक में हमने भी श्रवण किया था, तद विज्ञानार्थ से गुरुमेवा विगच्छत, उस श्लोक में हमने वो जो विज्ञान का वर्ड शायद ग्रुप में आप लोगों के पास होगा, उसमें पूरा रूप में है अनुभूति, किस प्रकार का अनुभूति विज्ञान। तो इसमें बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु अब विज्ञान का आस्वादन करना चाहते थे, उनको अनुभूति नहीं हुआ था। अनुभूति होता तो क्यों कृष्ण श्रीमन महाप्रभु के रूप में आते? तो अनुभूति को प्राप्त करने के लिए जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप ठाकुर जी, जो पूर्णमिदम पूर्णमोदम, जो पूरा पूर्ण है, उनका भी इच्छा रह गया कि किस प्रकार, तीन इच्छा रह गया उनका भी। अब इच्छा रह गया और किस चीज़ के? भगवान भाई, भगवान तो सर्व जानते हैं, अब इच्छा रह गया मतलब वो भगवान नहीं हो सकते, इसलिए उसी इच्छा के कारण श्रीमन महाप्रभु के, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही स्वयं आते हैं। अब उसी ज्ञान तो कृष्ण के हृदय में है, लेकिन वो जो विज्ञान, जो अनुभूति, वो कहाँ से प्राप्त किया? ये रामानंद राय जी से वो अनुभूति को प्राप्त किया। तो गंभीर चीज है, महाप्रभु कौन, राय रामानंद कौन, किस लिए आए, आने का कारण क्या था? अगर इसको बहुत बहुत दिन तक, जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 फिर कॉलेज में जाते हो, फिर PhD करती है, PhD की बात है। अभी धीरे धीरे अगर धीरे धीरे सुनते रहोगे, फिर एक दिन आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है ना? इसलिए आज बहुत समय हो गया है, इसलिए आज कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। और हम लोग जो चैतन्य भागवत जो कथा सुनना चाह रहे थे, कहते कोई एक ब्राह्मण था जिसका नाम था तपन मिश्र। इन्होंने, उनका मन में एक प्रश्न था, जो प्रश्न का समाधान उनको कहीं नहीं मिला। प्रश्न था हमारी साधन क्या और साध क्या। साधन मतलब है हमको जीवन में क्या करनी चाहिए, और साध्य मतलब है जीवन में हमें किस चीज़ को प्राप्त करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए और जीवन में हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने बहुत लोगों की, उन्होंने ये प्रश्न की, लेकिन अलग अलग लोगों ने सब अलग अलग उन्होंने प्रश्न दिया, इसका सही उत्तर किसी से भी नहीं मिला। वो बड़ा चिंता में पड़े हुए थे, सब कुछ तो करते थे लेकिन मन में शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि उनका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था। हम सब कहते ना, हमको क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, हैं, अरे हमें जीवन में क्या मिले, क्या मिले, क्या मिले, इसलिए कहते उनका मन में शांति नहीं मिलता था, क्यों? सही उत्तर उनको कहीं नहीं मिला। लेकिन अगर हृदय से तुम्हारी भगवत इच्छा अगर जगे, भगवत भक्ति पाने की अगर इच्छा जागे,
कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन, अगर सचमुच से दिल से मेरे को कोई पुकारता है, हृदय से अगर मेरे को कोई पुकारता है, मैं आवाज़ देता हूँ। भगवान कहते ना, एक कदम मेरे तरफ में चलो, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ में बढ़ते के आता हूँ। अगर हृदय से अगर तुम्हारी कृष्ण प्राप्ति की, जैसे ध्रुव महाराज की कृष्ण प्राप्ति की इच्छा हुई, भगवत प्राप्ति की इच्छा, व्याकुल जब हो गए, क्या हुआ, भगवान स्वयं वैकुंठ में विचलित तो हो गए। फिर नारद जी को बुलाए, नारद जी को भेजा, जाओ ध्रुव जी को मंत्र दे करके आओ। तो उन्होंने भगवत इच्छा से नारद आए, जब उन्होंने मंत्र दिया, बस ठाकुर मिल गए। अगर हृदय से अगर हमारी सही इच्छा रहे, ठाकुर हमें मिले कैसे, ठाकुर हमें मिले कैसे, ठाकुर जरूर व्यवस्था, लेकिन हृदय से भावना होनी चाहिए। इनकी हृदय से भावना थी, सचमुच से क्या करनी चाहिए हमें और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन उन्हें जब सही सही प्रश्न नहीं मिला, एक समय रात को जो सो गए, इतने में देवता लोग उनको पास में प्रकट हुए, बोले कोई चिंता मत कर, एक बहुत बड़ा के महापुरुष आए। वो महापुरुष नहीं, वो स्वयं भगवान श्री सच्चिदानंद गौड़ महापुरुष तुम्हारी घर को पास में आए, जाओ उनसे तुम प्रश्न करो, वो तुम्हारी सही सही उत्तर वही प्रदान करेगा, तुम चले जाओ। लेकिन सावधान एक बात, बोले क्या, बोले वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो स्वयं भगवान, ये कृष्ण ही कलिजुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के कलिजुग में गौर हरि रूप में आए। गौर हरि, गौर मतलब गौरी श्रीमती राधा रानी, गौरी हरि मतलब कृष्ण, ये दोनों मिल करके इसलिए इनका नाम गौर हरि नाम पड़ा। उनको पास में जाओ, फिर उनको तुमको सही सही उत्तर देंगे। फिर जब उनको पास में सचमुच से जब गए, देखा महाप्रभु को, क्या सुंदर देखने में, अजान लंबित भुजो, क्या उनकी रंग, क्या उनकी सुंदरता। कृष्ण कितने सुंदर है, लेकिन राधा रानी कितने सुंदरी बताओ, जिनकी रूप देखकर कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं, अगर दोनों अगर मिल जाए तो बताओ कितने सुंदर नहीं होंगे, हैं। इसलिए राधा कृष्ण का मिलित तनु श्री सच्चिदानंद गौर हरि। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। जब उन्होंने सचमुच से उन्होंने गए सवेरे, महाप्रभु का भेंट हुआ। हे महाप्रभु को देख करके स्वप्न आया ना, देवता लोगों ने बताया, बोले बात किसको बोलना नहीं, बोले क्यों नहीं बोलना, कहते ये महाप्रभु को जिलीला ये प्रछन्न, बोले छुप करके कलिजुग में आएंगे, लेकिन किसको बताएंगे नहीं, मैं भगवान हूँ। इसलिए महाप्रभु तो अलग अलग रूप में दर्शन दिया भक्तों को, लेकिन सबको उन्होंने बोल दिया किसको बोलना नहीं, क्योंकि ये मेरे जो अवतार है, मैं छुप करके आऊँगा, इसलिए ये मेरे को प्रकाश नहीं करूँगा, किसको पास में प्रकाश नहीं करना, अगर प्रकाश करोगे, भगवान कहते सुदर्शन चक्र से गला काट दूंगा, जब तक मैं इस जगत में हूँ तब तक ये बात को बताना नहीं। जब उन्होंने बोल करके अंतर ध्यान हो गए, और दूसरे दिन गए तो देखा महाप्रभु, जब महाप्रभु को देखा तब उन्होंने उनको प्रश्न किया है, बोले क्या है, बोले साध्य साधन तत्व किछु ही ना जानी, कृपा करी आमा प्रति कही बापनी। बोले प्रभु हमें पता नहीं जीवन में हमें क्या करने चाहिए और जीवन में हमें क्या मिलनी चाहिए, ये चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ, आप कृपा करके हमें ये बात बताओ। इतने में महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, बोले जगत में तुम बड़े सौभाग्यवान, बड़े सौभाग्यवान हो, क्योंकि भगवत संबंध जो प्रश्न है ना, देखना सभी के हृदय में नहीं आता है, प्रश्न तो बहुत कुछ होता है, हम पढ़ाई लिखाई कैसे करें, बड़े आदमी कैसे बने, पैसा कमाए कैसे करें, घर संसार कैसे करें, ये तो प्रश्न आएगा, लेकिन भगवान कौन है, भगवान मिले कैसे, हम भक्ति में कैसे बढ़ सकते हैं, ये प्रश्न कभी आता है किसी को, किसी को ये हृदय में प्रश्न नहीं आता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन सुदुर्लभ प्रसादात्मा कोटि सोपी महामने, हे अर्जुन करोड़ों करोड़ों में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो मेरी भक्ति की तरफ में आता है। बता कितने मीरा कितने तुलसीदास हुए, हाथ में जुड़ोगे तो उनका नाम ही आए। इसलिए मेरे भक्ति में सभी नहीं आ सकते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई सौभाग्य उदय होगा तभी मेरे भक्ति में कोई प्रश्न करेगा। इसलिए महाप्रभु बोले तू बड़े सौभाग्यवान, क्यों, तुम्हारे हृदय में भगवत प्रश्न जगा है, भगवत भक्ति संबंध प्रश्न जगा, तू बड़े सौभाग्यवान हो। कहते भगवान की जो भक्ति है दुर्लभ है, दुर्गम है। तब उन्होंने बताया, देख बेटा 4 युग है, कितना युग है, क्या क्या, बोलो 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 जोर से, सत्य
तृतीया द्वापर और कली, ये चार युग है। कदि जो चार युग है, कदि ये चार युग में, कदि ये चार धर्म भी है, हैं? चार जगत में चार धर्म हैं, जिसको भागवत में बताए बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथापि त इदानी कृष्णताम गत। ये श्लोक को कौन बोल रहे हैं आपको पता है? ये श्री गर्गाचार्य जब कृष्ण का नामकरण कर रहे थे, और नामकरण करते समय ये बात बोले नंद तुम्हारी जो लाला है ना वो साधारण नहीं, ये हर युग युग में तुम्हारी लाला आता है, हैं चार यह आता है। बोले ये सत्य युग में इसने शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेतया युग में रक्त वर्ण धारण करके आया था, जब कल युग होगा ये गौरव वर्ण श्री महाप्रभु का रूप में आएंगे, लेकिन जो कल युग में ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। इसलिए कहते ये चार युग है, कहते चार युग में, चार युग में अलग अलग चार धर्म हैं, हैं सत्य युग में ध्यान, तृतीया युग में यज्ञ, द्वापर में अर्चन, लेकिन कलयुग का जो युग धर्म है, कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, और चारि युग चार धर्म जीवर कारण। कलयुग का जो युग धर्म है भगवान जानते हैं, कलयुग का जीव इतना कष्ट कर नहीं सकते हैं। जैसे कल आप लोगों ने व्रत रखा था, किसने किसने व्रत रखा, धन्यवाद आपके, कल सबसे बड़ी एकादशी व्रत थी, सबसे बड़ा एकादशी व्रत था, इसलिए आप लोगों ने व्रत किया। लेकिन आपको पता होगा कितना कष्ट होता होगा, रात में पता नहीं कितने प्यास लग गई, रात में नींद आई नहीं। हमारे यहाँ पर एक भक्त प्रभु जी किया, और शाम को तो उनका सर दर्द करना शुरू हो गया, बोले और मेरे से निर्जला व्रत सहज नहीं हुआ, अभी हम प्रसाद ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए जिन जगह ने किया है, मतलब सत्य युग में लोग क्या करते थे, साल भर तक बिना खाए पिए, साठ हजार साल बिना खाए पिए रह जाते थे। कलयुग में एक एकादशी 15 दिन में कभी हम एक एकादशी निर्जला नहीं कर पाते, इसलिए भगवान को पता कलयुग में नहीं कर सकते, कलयुग में इसलिए भगवान सबसे सरल उपाय बोले कलयुग में ज़्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, बस भगवान को प्रसाद लगा भोग प्रसाद, एकादशी में भी बोल दिए 12 बजे तक रहो, और उसको बाद में फल मूल खा करके, लेकिन क्या करो भगवान का नाम जप करो, हाथों में काम और मुँह में ठाकुर जी का नाम, बस भगवान सबसे सरल उपाय बता दिया। इसलिए महाप्रभु कह रहे कलयुग में युग धर्म किया, हरि का नाम है सबसे सरल है। इसलिए कहते हैं सुलभ हम भगवत नामम, भगवान ये नहीं बताए देख अगर तू मेरे नाम लोगे ना तेरे को पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर बोले तुम्हें अगर तू मेरे नाम लोगे पैसा देना पड़ेगा, नहीं कहते सुलभ हम भगवत नाम हर जिहा च बसवर्तिनी, ये जिहा को जैसे बोलोगे जिहा वैसे काम करेगा, अगर जिहा को बोलोगे हरिनाम कर हरिनाम करेगा, बोले चुगली करना पड़े चुगली करेगा, इधर उधर का बात कर वही करेगा, जीवा को जो बोलोगे वही करेगा। इसलिए जीवा किसकी बस है, हमारी बस है। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य बात कहते हैं, कलयुग में कभी किसी समय में भगवान का नाम कर सकते हो, पवित्र अपवित्र कोई भी मैंने विचार नहीं रखा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जीव कलयुग में भगवान का नाम नहीं करते, इससे दुख क्या हो सकता है। इसलिए महाप्रभु बोले देखो कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय भगवान का नाम, फिर उसको बाद में क्या बताते हैं कैसे नाम करनी चाहिए तब कलयुग में हमें भगवान मिलेगा, कल ये बात को फिर हम कल सुनेंगे, समय बहुत हो गया है। आज है क्या बनाया आज भैया, बनाना शेक बनाया, और इसमें हमारे जो दूध दिया ना ये प्रभु जी ने दिया, क्या नाम है आपका प्रभु जी, आज जोर से बोलो क्या ना? हाँ सुरेश प्रभु जी और उनकी पत्नी, इनके परिवार ने आपके लिए बोला आज मेरे तरफ से दूध है आप लोग सब भक्त लोगों को दो, इसलिए ठाकुर जी खूब भक्ति दे प्रेम दे, और आप लोग सबके सब लेकर प्रसाद लेना ठीक है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण
जाते हुए सब बोलो। देखो बच्चों, हाँ जैसे आप छोटे छोटे बच्चे जो श्लोक याद करते हैं ना, आप देखना यूट्यूब खोल कर देखना, तुम्हारी जैसे छोटे छोटे बच्चियाँ बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा सुनाकर छोटी 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 कथाओं को बना बना करके भेजते हैं। इसको से देखना बहुत लड़कियाँ ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर कथा भेजते हैं। कल आपको कुछ हम यहाँ दिखाएंगे कैसे कैसे छोटी छोटी लड़कियाँ और माताएँ कितने सुंदर सुंदर कथा को भेजते हैं, कल आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाएंगे, इसलिए दिखाएंगे आप लोगों को भी ऐसे धीरे 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 कथाओं को सीखो। हाँ, भगवान की कथा बोलो। अगर भगवान के नाम कथा बोलोगे ना, ये कथा ऐसे की चीज़ है जगत में, तुम्हें ये सबसे बड़ा बना देगा। जगत में सबसे बड़ा तुमको ये कथा, सबसे बड़ा भगवान की कथा बना देने वाली। इसलिए कल आप लोगों को हम दिखाएंगे प्रोजेक्ट में कौन कौन कैसे कैसे कथा बुलाते हैं, कैसे जैसे अभी हम छोटी छोटी कथा सुनाए ना, तुम लोग भी ऐसे छोटी छोटी कथा सुनाओ, कथा बोलो और उसके यूट्यूब में डालो, अपना चैनल बना कर यूट्यूब में डालो, देखना सारा दुनिया लोग बैठ करके तुम्हारी कथा को सुने। कल हम कुछ दिखाएंगे और सबको बुला करके ले आना, सब बच्चों को, ठीक है। और हरे कृष्णा, कितना श्लोक याद हो गया तुम लोगों को? 6 हो गया ना। हाँ, श्यामानंद इनको आज एक श्लोक दे देना। हाँ हाँ हाँ, उनको उनको पास में जा करके जाओ।